नमस्कार, वीकेबी न्यूज़ के पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है। मैं जय कन्हारे। हमारा मुद्दा यह है कि 1 दिसंबर से राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। मतलब जो छोटे बच्चे थे, जो अब तक 2 साल से अपने घर में थे, वो भी अब स्कूलों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना के मामले लगातार अभी कम तो हो गए, लेकिन कोरोना गया नहीं है। ऐसे में हम जनता की राय लेने निकल पड़े हैं। स्कूल खुल रहे हैं, राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? जरूर, इसी का तो इंतजार है भाईजान। हाँ, इसी का तो बहुत जल्द। अभी नया वेरिएंट आया डेल्टा का, सॉरी कोरोना का, आपको पता होगा। फुल सुविधा के साथ भेजेंगे, फुल सुविधा के साथ भेजेंगे। मैम, 1 दिसंबर से स्कूल खुल रहे हैं, राज्य सरकार ने निर्देश दिए, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? भेजेंगे तो सही, लेकिन उनसे पहले पूछेंगे ना कि आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं ले रहे हो स्कूल में बच्चों की। राज्य सरकार ने एक निर्देश दिया है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी करेंगे। मतलब उन्होंने निर्देश तो दिए है अच्छे से, डिस्टेंस रखा जाएगा 10 मीटर का वगैरह, तो ऐसे निर्देश तो है, तो उस पर तो क्या आप भेजेंगे? हाँ, भेजेंगे तो सही, क्योंकि बच्चे भी अभी घर में पढ़ाई वगैरह कर नहीं रहे, तो भेजेंगे। 2 साल से बच्चे घर में ही थे, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? राज्य सरकार ने निर्देश दिए वैसे। हाँ, भेजेंगे ना, स्कूल में भेजना ही पड़ेगा ना। पर ऐसे है कि अपने वो स्कूल वाले ने अपने रिस्क लेने को होना, कि बच्चों को कुछ होने को नहीं होना। हाँ, वैसे निर्देश दिए उन्होंने कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन फिर भी आप भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, आप संभ्रम की स्थिति में है या नहीं है, उसके बारे में बता दीजिए। अभी तो ऐसा लगता है भेजना भी चाहिए, और कभी कभी ऐसा मन होता है कि नहीं भी भेजना चाहिए, दोनों भी मन बोल रहे हैं अभी। क्योंकि नया वेरिएंट है, आपने पढ़ा होगा। हाँ, अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? यस। अभी कोरोना का नया वेरिएंट, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। तो फिर भी आप स्कूल में भेजेंगे उनको? यस, क्योंकि 2 साल हो गए भैया, स्कूल बंद है, बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे किसके, और इंजीनियर कॉलेज चालू हो नहीं रहे हैं अभी, इसके कारण इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करना है और बच्चे को भी स्कूल चालू करना है। घर में बच्चे रह के बहुत परेशान कर रहे हैं, और उनको हमको स्कूल में पैसा भरना पड़ रहा है। स्कूलें खुलने वाली है, तो क्या आप आपके अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? हाँ जी, हाँ भेजेंगे ना। ओके। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कोरोना का नया वेरियंट आ गया है दक्षिण अफ्रीका में, तो फिर तो भी भेजेंगे ना भाई, पढ़ाना है तो। मैम, 1 दिसंबर से नया स्कूल खुल रहा है, तो क्या अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? नहीं, कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, और हमने दूसरी लहर को देख लिया था, और तीसरी लहर के लिए हम चौकन्ना हो चुके हैं, और मोदी जी जो कर रहे हैं आगे जो प्लानिंग करेंगे उसका हम पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन 1 दिसंबर को जो स्कूलें खुल रहे हैं नहीं भेजेंगे? मतलब हम तो नहीं भेजेंगे। हाँ, अभी नया वेरिएंट भी आया डेल्टा का, सॉरी कोरोना का, आपको पता। हम ऑनलाइन क्लास को प्रीफर करेंगे, और बच्चों को क्लास नहीं भेजेंगे अभी। ओके, ऑनलाइन क्लास से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी हम और एक वायरस आया है इसका। हाँ, अभी नहीं भेज सकते अभी तो। क्योंकि बच्चे अभी छोटे, तो उनको भी हो सकता है, तो बीमार पड़ेंगे, तो हम डर जाते हैं, इसलिए नहीं भेज सकते। अभी स्कूल खोल देने हैं छोटे बच्चों को भी, तो आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? नहीं, अभी तो नहीं भेजेंगे ऑनलाइन। वाइफ बोल रहे हैं इसलिए नहीं भेजेंगे? नहीं, वाइफ नहीं, बहन जाएंगे। अच्छा, सॉरी। जाओगे स्कूल? जाओगे बेटा, स्कूल जाओगे बेटा? नहीं, जाऊंगा ना। अच्छा, बच्चा जाना चाहता है, लेकिन हाँ, लेकिन सेफ्टी, क्योंकि नया वायरस भी आया। स्कूलें खुल रही है, राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? हाँ, भेजेंगे। हाँ, भेजेंगे। अभी आप अगर न्यूज देखते होंगे आपको पता होगा कोरोना का नया वायरस आ चुका है। ओके, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, सैनिटाइजर वगैरह का थोड़ा सा, नहीं क्या? हाँ, वही करेंगे। हाँ ना सर, भेजेंगे ना, भेजेंगे। हाँ। लेकिन आप अगर न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कोरोना का नया वायरस आया है, तो उसके बारे में? उसके बारे में तो अभी क्या करते, कोरोना तो आता ही रहता है, अभी क्या करेंगे? स्कूल का तो, बच्चों का तो ऐसे पूरा डाउन ही हो गया ना, होमवर्क नहीं करते, अभी घर में पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। मतलब भेजेंगे? हाँ, थैंक यू। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? मेरे हिसाब से तो अभी कैसा है, कोविड के थर्ड वेव का बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी नया वायरस भी आया है, नया वायरस भी आया है,
थर्ड इसका ओमिक्रॉन नाम से शायद B.1. समथिंग कुछ है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने एटलीस्ट मार्च तक तो भी ये डिसीजन पोस्टपोन करने को ना, क्या बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाने को ना, क्योंकि बच्चे जो ये चीज़ का अवेयरनेस नहीं रखते, सोशल डिस्टेंसिंग बोलो, मास्क पहनना बोलो, कहीं ना कहीं दोस्त रहते तो सब मिल के साथ में रहते, तो गवर्नमेंट ने इस डिसीजन के बारे में एक बार जरूर सोचने को ना। आपका कहना है कि पोस्टपोन करना चाहिए? जी पोस्टपोन बोले, एक बार सोचना जरूर चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो को स्कूल में भेजेंगे जी, हम भी भेज रहे हो। अगर आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा नया वायरस आ चुका है, हमें डेल्टा का सॉरी कोरोना का नया वेरियंट भी आ चुका है जी। तो फिर भी आप हाँ बच्चों को भेज रहे, मास्क वगैरह लगा के बिंदास भेज रहे हम, हाँ मास्क लगा के भेज रहे। मुलांना पाठवाल का शाळेत हो, तुम्ही जर न्यूज बघत असाल तुम्हाला माहित असेल की नवीन वेरियंट आला है कोरोनाचा। हमारे बच्चों को जो मेंटल प्रॉब्लम हो रही है उससे तो वैसे ही घर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, फिर हम लोग इतना जान रहे हैं ना, इतनी तकलीफ में हमारे बच्चे की हम जान रहे हैं। अभी 12th में बच्चे हैं, घर में पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिस नहीं होती। अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे? हाँ, घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे ना। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कोरोना का नया वेरिएंट आ चुका है। नहीं हो, अभी देखते थोड़ा देखते कि भेजेंगे, अभी देखते पहले स्कूल से इन्फॉर्मेशन आ जाने दो क्या है, उसको करना है गाइडलाइन का पालन भी करेंगे फिर देखते। थैंक यू। स्कूलें खुल रही है आपको पता होगा, तो आपने बच्चे 1 दिसंबर से आते हैं, हाँ तो फिर आप स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चों को? अभी तो बच्चे तो वो घर में रह के वो शैतानी कर रहे हैं, उनको तो भेजना ज़रूरी है ना, घर में रह रहे के मोबाइल के अलावा उनको तो कुछ दिखता नहीं है, ज़रूरी है भेजना, हम तो भेजेंगे 1 तारीख से। कोरोना का नया वेरिएंट आ गया आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो? कोरोना का आया है वो तो ऐसे ही बोलते आया है, पर आएंगा तब देखेंगे, जबकि जब देखेंगे पहले बच्चों को तो पढ़ाएंगे। आपका कहना है कि जाने को चाहिए, जितने दिन मिलते हैं स्कूल में एटलीस्ट उतने दिन तो भी जाना चाहिए, उन्होंने जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो जाना ही चाहिए, जितने दिन मिलते उतने दिन जाना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि इतने दिन घर में रहने के बाद में हम खुद बोर हो गए, बच्चे को हम संभालेंगे कि हमको क्या है ऐसा। 2 साल से बच्चे घर पे है ना बच्चे। तो आपने देखा कि कुछ पेरेंट्स का कहना है कि हाँ भेजेंगे, कोई बोल रहा है कि नहीं पोस्टपोन करना चाहिए, कोई नहीं भेजेंगे ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अभी कोरोना का नया वेरियंट आ चुका है ओमिक्रॉन, जो कि तीसरी वेव के लिए कारणीभूत हो सकता है। तो अभी 1 दिसंबर को कितने पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, कोई नहीं भेजता है, वो तो 1 दिसंबर को ही पता चलेगा। बाकी बस पब्लिक ओपिनियन में बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश जांगिटवार के साथ जय कन्हारे, नागपुर।